हेलो गाइस, आप लोगों को कंटेंट देखना है, देखिए। लोगों ने दिए हैं बहुत धोखे, बट डोंट वरी, इट्स ओके। धोखे को ओके में राइम करना, कंटेंट। 4 3 2 1, दुनिया, लोग, सारे फेक। एक को फेक से राइम करना, कंटेंट। चिकन लेग पीस, 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 चिकन लेग पीस। लिफ्ट के स्विच को जोर जोर से दबाना, कंटेंट। गाइस लेके आइए एक, और मेरे को बोल रही है उसमें से भी आधा चाहिए। तो भाई लाके क्यों दी गिफ्ट? मिल बांटते खाने से प्यार बढ़ता है। नहीं नहीं बढ़ाना है प्यार, मेरे लिए लाए। भूखे नंगों के तरह होना, कंटेंट। इसी कंटेंट की वजह से तो इंडिया के सारे लोग इस भाई साहब को जानते हैं। इस भाई साहब ने अपने आप ही अपना कॉल रिकॉर्ड वायरल करवा के सोचे थे कि पब्लिक का अटेंशन मिल जाएगा, पर नहीं। उसी के नतीजे में क्या हुआ, क्यारी मिनाती को बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट करने लगे। आप लोगों को देखना है उनके वीडियो, सपोर्ट वीडियो देखो। मैं क्यारी मिनाती का सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने टिकटॉक के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी वीडियोस डिलीट कर दी गई है जो गलत है मेरे हिसाब से। अगर डिलीट ही करना है तो उन सभी वीडियोस को डिलीट कर दो जो आपत्तिजनक होते हैं। यार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हु वॉज राइट, कैरी राइट है या फिर जो सो कॉल्ड टिकटॉकर्स हैं, स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो राइट हैं? मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं कैरी के सपोर्ट में हूँ। मैं 100% उनके सपोर्ट में हूँ, बिकॉज उन्होंने जो बोला था अपने वीडियो में वो लॉजिकल बोला था। जस्ट डोंट फोकस ऑन हिज लैंग्वेज, वो एक स्लैंग लैंग्वेज है जो आप अगर दिल्ली में जाओगे, मुंबई में, हमारे गली शहरों में भी दोस्तों के साथ नॉर्मली हम इसी भाषा में बात करते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने पहले ही कह दिया था अपने कान में हेडफोन डाल दो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं उनके सपोर्ट में हूँ, और जो उनके साथ हुआ, जो यूट्यूब ने किसी वजह से, मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का वॉयलेशन है, वो एक लाइट हार्टेड रोस्ट था। उससे बहुत वल्गर तरह के रोस्ट भी होते हैं, बट वो बहुत ही नॉर्मल रोस्ट था। मैं उसके सपोर्ट में हूँ। आप कमेंट में बताइए आप किनके सपोर्ट में हैं और क्यों। कैरी मिनाटी के जरिए यूट्यूब पर बनाया गया टिकटॉकर्स को लेकर जो वीडियो था, जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गया था, वो अब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस वीडियो को डिलीट क्यों किया गया है। मतलब उसमें ऐसा क्या था, जब आप बाकी वीडियोस को सपोर्ट कर सकते हो तो फिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जो कि इतना ज्यादा इसे बवाल के तौर पर देखा गया। जिस तरह से वो बाकी सब्जेक्ट को लेकर मजाक उड़ाते हैं, ठीक ऐसे ही उन्होंने कुछ टिकटॉकर्स का जिक्र किया, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा करने के पीछे की वजह यहाँ पर क्या हो सकती है। ठीक है, मैं गालियों को बिल्कुल अपनी जिंदगी से थोड़ा दूर रखती हूं, पर मैं ये कहूंगी कि या तो आपने इसको सिरे से पहले से खारिज किया होता, अब उसको अगर डिलीट किया जा रहा है, व्हाई? इसको देखने के बाद अमीर सिद्दीकी ये सोच रहा होगा कि मैं मॉस्को छोड़ के इंडिया में क्यों आया, मैं फिर से जा रहा हूं मॉस्को। वो तो जाएगा ही जाएगा, अदनान को लेके जाएगा जरूर, क्योंकि अदनान उसी की कैटेगरी में आता है। भाई साहब बहुत बुरा हुआ वो दोनों के साथ, अपने कॉल रिकॉर्ड अपने आप भी वायरल करवा रहे। खुद ही सोच रहे थे कि वो कॉल रिकॉर्ड वायरल करके नेगेटिविटी स्प्रेड करके फेमस हो जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता था पब्लिक चूतिया नहीं है। जिसको नहीं पता कि अदनान का भी कॉल रिकॉर्ड लीक हो चुका है, उन लोगों के लिए ये सुनिए। छोटा मोटा गेम नहीं करने का। कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चाहिए। ये सुनने के बाद मुझे तो ये फील आया कि पुराने फिल्म के जो विलियन होते ना, वो उसी की तरह ही बोल रहा है, छोटा मोटा गेम नहीं है, अभी और भी बाकी है। अबे और क्या करेगा भाई, और जो भी करेगा तो खुद ही फंसेगा भाई, बहुत बुरी तरह से फंसेगा। यूट्यूबर लोग तुम्हारे बहुत बुरी तरह से मारने वाले हैं। यूट्यूबर मारेंगे ही मारेंगे, पब्लिक भी मारेगा अलग से, बहुत दर्द अलग से लगेगा भाई। सीरियसली अगर कुछ भी दिमाग है तो कुछ दिन के लिए तुम लोग सारे चुप हो जाओ। अमीर सिद्दीकी का एक पुराना बात याद आ गया कि एंगेजमेंट, भाई मैंने आपके एंगेजमेंट देख ली है, फेसबुक का वीडियो जाकर देख लो, इंडिया का सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया हुआ वीडियो है वो। अरे एंगेजमेंट, वाह, इतनी डिसलाइक मिलने के बाद भी फेजू और उसके दोस्त खुश हो रहे हैं कि नंबर वन ट्रेंड कर रहा है हमारा वीडियो,
भाई नंबर वन ट्रेंड तो कर रहा है पर डिसलाइक तो देख लो। इंडिया का मोस्ट डिसलाइक वीडियो बनने के बाद भी फेसबुक खुश हो रहा था कि भाई मेरा वीडियो ट्रेंड कर रहा है, नंबर वन ट्रेंड कर रहा है। अरे भाई डिसलाइक नहीं दिख रहा है क्या? हाँ वो तो ठीक है, किसी चीज़ में तो वो टॉप में है, चाहे वो लाइक हो या डिसलाइक हो क्या फ़र्क पड़ता है तो वो टॉप में ही ना। ये उन लोगों में से है जिनकी पिछवाड़ा में आबू निकल गया हो और वो बोलेंगे भाई कुछ तो बड़ा हो रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब कौन कर रहा है भाई? कौन चुतिया लोग हो भाई तुम लोग कि उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर रहे हो कंटेंट देखने के लिए? भाई करो मत, तुम्हें भी वही कंटेंट देखने को मिलेगी, ये वाला कंटेंट मतलब ये वाला कंटेंट वही सब मिलेगी भाई, कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा। कि दिमाग में भी बुद्धू भरा हुआ है, जिस टाइम में उनको ट्रोल किया जा रहा है उसी टाइम में उनको लॉन्च करना है चैनल। क्या करना है? लॉन्च करना है। क्या करोगे आप? मैं एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ भाई लोग। अगर उनकी औकात उनको दिखाना है तो प्लीज़ जाओ कैरी मिनाटी के चैनल को और उसको सब्सक्राइब करो और नया वीडियो को लाइक करो और उसको बनाना है इंडिया का टॉप लाइक वीडियो। प्लीज़ जाओ यार, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, थोड़ा इंस्टाग्राम में भी जाकर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें भी दिखाना है हमारा एंगेजमेंट। अगर आप लोग प्यार दोगे तो हम भी शो कर पाएंगे हमारा एंगेजमेंट। प्लीज़ जाओ यार, लाइक कर दो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो। टाटा, आई एम शालिनी जली। सॉरी, मैं क्यों टिकटॉक पे तरह हो रहा हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ ना। बाय।